हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कलर पेंसिल को किस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, तो एंड तक देखना वीडियो को। शेड्स जो कि काफ़ी प्यारे शेड्स हैं इसके अंदर, और सारे शेड्स काफ़ी सुंदर भी लगते हैं, सॉफ्टनेस है इन पेंसिल्स में। इस पैक में आपको एक शार्पनर भी साथ में मिल जाता है, और अब मैं पेंसिल्स को शार्प कर रही हूँ क्योंकि शार्पनेस से जो ड्राइंग होती है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसमें। और स्टार्टिंग में तो आपको शार्प पेंसिल से ही स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद बाकी आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल जब उसकी लेड हो जाए, कोई बात नहीं। बाकी स्टार्टिंग में तो आप शार्पनेस के साथ ही यूज़ करो क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी मैं ये कलर्स यूज़ करके आपको बताऊँगी इसमें ब्लेंड करने का तरीका, तो एंड तक देखना। तो ये ड्राइंग देखो आप, जिसमें मैंने कलर पेंसिल का यूज़ किया है, और इसमें जो कलर मैंने यूज़ किए हैं वो येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और ब्राउन कलर है, और डार्क ब्राउन करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का भी यूज़ किया है। तो इन कलर का किस तरीके से आपको यूज़ करना है कि ये एक दूसरे में मर्ज हो और सुंदर दिखे, एक रिज़ल्ट सुंदर सा निकल कर आए, तो मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एक और देख लो, ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको ईयर ड्रॉ करना सिखाया था कलर पेंसिल से, तो आप ये दोनों वीडियोज़ देख सकते हो मेरे चैनल पर। और कलर ब्लेंड करने का तरीका ही मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो मैंने जिस पे ईयर ड्रॉ किए हैं इसी पे मैं आपको कलर यूज़ करके दिखाऊंगी और ब्लेंड करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दो कलर को एक साथ मिक्स करने के लिए वाइट कलर पेंसिल का यूज़ करा जाता है। इसको एक ब्लेंडर की तरह यूज़ करते हैं हम कलर पेंसिल की ड्राइंग में। और जैसे कि बचपन में सबको लगता था कि वाइट कलर पेंसिल का कोई यूज़ ही नहीं है कलर पेंसिल्स में, तो बिल्कुल यूज़ में ही नहीं आती थी, और मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि वाइट कलर पेंसिल मेरी खुद बच जाती थी। बट अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि वाइट कलर पेंसिल बहुत बड़ा योगदान देती है कलर पेंसिल में अपना। तो इसी से ब्लेंड करते हैं, और जो पोर्स होता है, जो मतलब ब्लैंक रह जाता है कलर के बीच में जगह, उसको ये कंप्लीट कवर अप करती है। तो वाइट कलर पेंसिल इतना हेल्पफुल है कलर पेंसिल की ड्राइंग में। और अब जो मैं ये कलर आपको दिखा रही हूँ, तो ये कलर मैं यूज़ करके आपको शेडिंग बताऊँगी कि आपको किस तरीके से करनी है, तो ध्यान से देखना। पेंसिल कलर से जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पेंसिल को पीछे से पकड़ना चाहिए, हैंड प्रेशर अप्लाई नहीं करना चाहिए कुछ इस तरीके से, ये गलत तरीका होता है। इस तरीके से आपकी शीट पे जो कलर है उसका स्टेन रह जाता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर ऊपर दिखता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है ड्राइंग में। तो हमें फर्स्ट लेयर जो होती है बिल्कुल लाइट शेड करनी चाहिए, जिससे हम दूसरा कलर उसमें जब शेड करें तो दोनों मिक्स हो जाए और जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरली मिक्स दिखे और दाग जैसा ना दिखे, कि वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने सबसे पहले डार्क पिंक अप्लाई किया है, तो अब मैं लाइट लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ सबसे पहले कि आप डार्क टू लाइट शेड किस तरीके से कर सकते हो। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ कि हम सबसे पहले हम डार्क टू लाइट शेड सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने डार्क पिंक शेड करा है, और देख लो आप कि मैंने किस तरीके से शेड किया, बिल्कुल एक फर्स्ट लेयर जो है बिल्कुल लाइट शेड की है। और अब मैं पिंक शेड ले रही हूँ, लाइट पिंक शेड, तो वो मैं शेड कर रही हूँ। तो सारे कलर पेंसिल्स मैंने शेड कर लिए, और आप देखो कि मैंने फर्स्ट लेयर जो शेड की है बिल्कुल लाइट शेड की है। और अब वाइट कलर पेंसिल का यूज़ करके हम उनको मर्ज करेंगे, देखो किस तरीके से ब्लेंड होता है इजली। वाइट कलर पेंसिल यूज़ करने के बाद आप इसके ऊपर एक और लेयर शेड करोगे, जिससे ना एक स्मूथनेस आ जाती है वाइट कलर पेंसिल से, और जो आप वापस कलर यूज़ करते हो ना वही वाले, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो इजीली आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हो किसी भी कलर पेंसिल के शेड्स को, ठीक है।
वाइट कलर पेंसिल से ब्लेंड करने के बाद हम वापस उसी तरह से कलर का यूज़ करके लेयर बाय लेयर शेड करेंगे। जो जो कलर मैंने जैसे यूज़ किए थे मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सारे कलर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है एंड आपको वाइट कलर पेंसिल का सिर्फ यूज़ करना है खाली जगह को कवर अप करने के लिए। और ब्लेंड करने के लिए, दो कलर को मिक्स करने के लिए आपको डार्क कलर में लाइट कलर को मिक्स करना होता है। और आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से कि कलर कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है। अभी कलर पेंसिल इस तरीके से नहीं शेड करनी है कि लाइन्स दिखे उसके अंदर या पैचेस दिखे, ठीक है, किसी भी तरीके के दाग दिखे, ऐसे आपको नहीं करना है। मैं आपको गलत तरीका भी बता देती हूँ कि क्या गलती होती है कलर पेंसिल से शेड और ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी ध्यान से देखो कि सबसे पहले आपको इस तरीके से हैंड प्रेशर अप्लाई करके सीधा डार्क लेयर शेड नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपके दो कलर मिक्स नहीं हो पाएंगे, पैचेस दिखेंगे, वो अलग अलग दिखेंगे, जिससे वो ड्राइंग में जो इफ़ेक्ट आप लाना चाहते हो स्मूथ टेक्सचर वो नहीं आएगा। और दोनों कलर अलग अलग दिखेंगे, ब्लॉक वाइज दिखेंगे, मतलब अलग अलग ऐसा लगेगा कि एक अलग कर रेखा है एक अलग कर रेखा है। अब आप डिफरेंस देखो, मैंने सेम कलर यूज़ किए हैं जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बट ब्लेंड देखो कितना अच्छे तरीके से, पहला वाला जो मैंने किया है वो कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर ला रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक सीक्वेंस वाइज कलर मिक्स होते आ रहे हैं। बट जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया करके, वो गलत तरीका है। सीधा आप फर्स्ट लेयर ही डार्क कर दोगे तो ना आप उसमें कोई डिटेलिंग कर सकते हो, ना आप इरेज कर सकते हो, ना वो कलर दूसरे कलर में मर्ज होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं देखो आपको ब्लेंड करके भी दिखाती हूँ, फिर भी ये मर्ज नहीं होगा। सो आई होप आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या गलती करनी नहीं है और किस तरीके से आपको शेड करना है। तो देखो डिफरेंस कितना क्लियरली शो हो रहा है, वो जो मैंने पहले आपको करके बताया वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ रहा है, दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, और जो सेकेंड वन है वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लाइट टू डार्क किस तरीके से कलर पेंसिल से शेड करना है और ब्लेंड करना है। तो मैंने शेड कर दिए सारे कलर्स, और देखो इसमें भी मैंने फर्स्ट लेयर जो शेड की है बिल्कुल लाइट शेड किया है, बिल्कुल भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए आपके शेडिंग में। और अब हम कलर को मर्ज करने के लिए यूज़ करेंगे, लाइट कलर को यूज़ करेंगे डार्क कलर के ऊपर, क्योंकि इससे क्या होता है जो डार्क कलर होता है उसके जो बीच में गैप होता है वो लाइट कलर फिलअप कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट कलर पेंसिल से ही दो कलर को मर्ज करो, ब्लेंड करो, आप लाइट कलर को भी यूज़ कर सकते हो डार्क कलर के ऊपर, इससे आपके दोनों कलर मर्ज हो सकते हैं इजीली। तो देखो इसमें मैं आपको करके बता रही हूँ, तो मैंने लाइट येलो कलर को यूज़ किया है डार्क येलो कलर के ऊपर, और देखो हम इस तरीके से आ रहे हैं कि लाइट कलर टू डार्क कलर। एक बार वापस आपको एक ही सेंटेंस में समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है कलर पेंसिल में ब्लेंडिंग करने के लिए। तो नॉर्मली आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको कोई सी भी कलर पेंसिल शेड करनी है शीट पे, तो आपको उसकी फर्स्ट लेयर जो है बिल्कुल लाइट शेड करनी है, पेंसिल को पीछे से पकड़ना है थोड़ा सा और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। दूसरा ये कि आप वाइट कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लेंडिंग टूल, जो कि कलर पेंसिल में काफ़ी यूज़फुल होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप लाइट कलर और डार्क कलर दोनों एक साथ शेड कर रहे हो तो आप दोनों को मिक्स करने के लिए लाइट कलर का ही यूज़ करोगे, जिससे दोनों मिक्स भी हो जाएंगे और जो ब्लैंक
जगह होगी, मतलब खाली जगह जो होगी ना कलर्स के बीच में, वो भी कवर अप हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने, और आप इजीली कलर पेंसिल से एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर ला सकते हो, दो कलर को मिक्स कर सकते हो और काफ़ी प्यारी ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें देखो मैंने जो कलर शेड करे हैं, कितने स्मूथ ट्रांजिशन आई है, एक भी कलर ऐसा नहीं लग रहा कि उसके बीच में लाइंस है या पैचेस है, कोई अलग कलर कोई भी नहीं दिख रहा। तो इसी तरीके से आपको शेडिंग करनी है। पर अब हम गलती देखेंगे कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो देखो आप कि मैंने जो भी लेयर शेड की है ना, चाहे वो लाइट येलो कलर की हो, डार्क येलो कलर हो या लाइट ऑरेंज हो, तो मैं सारे कलर को फर्स्ट लेयर में ही डार्क शेड कर दे रही हूँ, जिससे वो मिक्स ही नहीं हो सकता दूसरे कलर में। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है? इससे आपकी जो शेडिंग है ना गलत हो जाएगी कलर पेंसिल में, और आपकी ड्राइंग पे पैचेस पड़ जाएंगे। आप इरेज करोगे तो उसका दाग वहीं का वहीं रह जाएगा, तो आप बिल्कुल हटा भी नहीं पाओगे। तो आपको यही गलती हटानी है, और आपको जो पहला मेथड है जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ वो आपको अप्लाई करना है। तो अब मैं जिस पे राइट का टिक लगा रही हूँ वो आपको करना है, उस मेथड को अप्लाई करना है, और जो मैं रॉन्ग का टिक लगा रही हूँ वो आपको नहीं करना है। और अब मैं लिप ड्रॉ कर रही हूँ, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी ड्राइंग पे किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो ये आप ज़रूर ध्यान से देखो। आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली, और अब मैं कलर पेंसिल का यूज़ करके कंप्लीट इसको ड्रॉ करूँगी। तो आप ध्यान से देखना, इस प्रोसेस को समझो, और आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से कलर पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लेयर जो आप शेड करोगे बिल्कुल लाइट हैंड प्रेशर के साथ आपको शेडिंग करनी है, जिससे आप दो कलर को मर्ज ईजिली कर सकते हो।
तो अब देखो आप कि मैंने जिस तरीके से आपको सही तरीका बताया था, मैंने उसी तरीके से ये लिप ड्रॉ करा है। और इसमें जो शेडिंग देखो आप कितनी स्मूथ हुई है। तो आपको इसी तरीके से कलर पेंसिल को यूज़ करना है और आप इसी तरीका का इफेक्ट अपनी ड्राइंग में ला सकते हो। शेडिंग करने के बाद थोड़ी सी डिटेलिंग भी कर देते हैं तो जिससे रियलिस्टिक लिप ड्रॉ हो जाएंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट पेन का। तो दोस्तों व्हाइट पेन से डिटेलिंग करने के बाद लिप्स तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। और आपको कैसे लगे आप बताना कमेंट में, और ट्यूटोरियल कैसा लगा आप ये भी बताना, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे अगर आपने नहीं किया तो। बाकी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।